पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज के मुख्य खबरें। राजकोट में भी हुआ शक्ति के भविष्य पर सम्मेलन का आयोजन। विधानसभा स्पीकर ने किया उद्घाटन। देश विदेश के जुटे सैकड़ों लोग। कर्नाटक के बीदर में 3 दिवसीय आध्यात्मिक राजयोग शिविर का आयोजन। आत्मा परमात्मा की विवेचना पर सजाए गए पंडाल। केरला के त्रिवेंद्रम में मेरा केरला व्यसन मुक्त केरला अभियान का शुभारंभ। शहर के गणमान्य नागरिकों ने झंडी दिखाकर दी रवानगी। हैदराबाद के शांति सरोवर में सुखमय जीवन के लिए परमात्मा आशीर्वाद विषय पर सेमिनार का आयोजन। आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाने की सलाह। मुंबई के मुलुंड में मेगा एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने कराई सेहत की जाँच। ग्वालियर में तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन। वडोदरा में भी हुआ रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन प्रणाली पर सेमिनार। सड़क हादसों में हताहत दिवस पर देश के कई हिस्सों में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। मुंबई के कांदिवली, धनुकरवाड़ी, कांदिवली वेस्ट, गुजरात के गांधीनगर तथा पालक्कड़ में भी उठे दुआओं के हाथ। और ऑस्ट्रेलिया तथा मॉरिशस में भी की गई सड़क हादसों में पीड़ितों के लिए प्रार्थनाएं। सड़क के नियमों को पालन करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। देश विदेश में लगातार शक्ति के भविष्य पर मंथन जारी है। इसी के तहत गुजरात के राजकोट में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात विधानसभा के स्पीकर वजुभाई वाला, केन्या के उद्योगपति तथा कार्यक्रम निदेशक निजार जुमा, ऑस्ट्रेलिया की मॉरिन चेन, राजकोट के मेयर मंदाता सिंह मनोहर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा या भारत के लोगों को भले ही एहसास ना हो, परंतु पश्चिमी देशों को लोगों ने यह स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं बल्कि इसकी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। इस अभियान की कमान खुद केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमा संभाल रहे हैं। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि भी भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब पश्चिमी देशों से सॉफ्ट पावर भारत लौट रही है। ऐसे में इस शक्ति को अंगीकार करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए भारत के विभिन्न शहरों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं ताकि भारत पुनः शक्तिशाली और विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात विधानसभा के स्पीकर वाजुभाई वाला ने कहा कि भारत देश मूल्य और नैतिकता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अब पुनः भारत में मूल्यों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस कार्य को बखूबी कर रहा है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। शरीर ऊपर व्यवहारिकता अने समाज में रहवा माटे थीने शुं आचरवू एना माटे मन छे। मन ऊपर बुद्धि छे अने बुद्धि ऊपर आत्मा छे। तमारा शरीर नू संचालन करवा माटे थीने मन छे ने ए घणा के घणी वार अचूडचू थई जाय। आम करूँ, आम न करूँ, आम करूँ, आम न करूँ, तो बुद्धि जो सारी हसे तो एम कहसे कि ना आवू न कराय। एंड वेन दैट योग इनिशिएटेड द यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल इंडिविजुअल सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ, when that yoga initiated the eliminating of the ever rising vrittis or the thought processes, and when our body was completely cleansed of all the impurities and toxins, and our self became so pure, our energy became so divine. बहुत बड़े सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो परमपिता परमात्मा के निमंत्रण पर यहां पहुंचे हैं। तो सबसे पहले जो सारे विश्व की सुपीरियर पावर है उसका मैं बहुत 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 हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कार्यक्रम के दौरान द फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम के निदेशक निजार जुमा ने कहा कि भारत अब पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर है। ऐसे में भारत में आ रही शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए आध्यात्मिक पावर को बढ़ाने की जरूरत है।
हमें इंटरनली मोर पावरफुल बनना है, हमें पावरफुल बनना है, ये पावर हमें लेना है। तो ये पावर हमारे एडवांटेज में है, किसी और के लिए नहीं, और किसी के ऊपर हम ये पावर से जुलम भी नहीं करना है। हमें ये पावर अडॉप्ट करना है कि हम जो भी चीज़ हमारे सामने आते हैं उनका हम सामना कर सकें। तो हमें ऐसा लगता है कि एक क्या कर सकता है, मैं एक अकेला हूँ, मेरे से ये क्या हो सकता है। लेकिन एक से, एक विचार से, एक सोच से, एक एक्शन से सब कुछ हो सकता है। India had very strong values. They were upheld. But now the values are a little bit sneaking away and they need to be brought back. And so this is what the future of power is about. It's about bringing leaders together to go inside, to bring back that spirituality, that introspection, that wisdom that has been in India for centuries. All of us are human beings. We all share the same same inner feelings and wishes for values in our life. And that as human beings, it doesn't matter what our responsibility, what our where we're born, what our religion, we all have this same feeling inside us that we wish for these values. And that is what binds us together as human beings. कार्यक्रम के दौरान गुजरात के कई हिस्सों से आए कलाकारों के शानदार प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोहा। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। कर्नाटक के बीदर में ब्रह्मा कुमारी संस्था रामपुर कॉलोनी द्वारा 3 दिवसीय ईश्वरानुभूति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का बीदर के रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम प्रमुख ज्योतिर्मयानंद स्वामी, पुलिस आयुक्त थिया गजरन के, डीसी टी म्यूनियलप्पा, प्रोफेसर बी आर कोंडा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुमंगला ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। पंडालों में सजी भगवान शिव की प्रतिमा आत्मा परमात्मा के तार जोड़ने के लिए की गई है। भव्य पंडालों में उन सभी जीवन के पहलुओं को दर्शाया गया है जिससे मनुष्य उच्च और निम्न श्रेणी के स्तर को प्राप्त करता है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्य मनुष्य के लिए कितना जरूरी है इसका एहसास भी कराया गया है। 3 दिन तक चले इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा, जाना और जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उद्घाटन समारोह के पश्चात ज्योतिर्मयानंद स्वामी समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। आज के लोगों को इसकी महती आवश्यकता भी है। मनहाली रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। राजयोग शिविर के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। केरला के त्रिवेंद्रम में व्यसन मुक्त केरला अभियान का शुभारंभ किया गया। त्रिवेंद्रम के गांधी पार्क में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर पी के जमीला, बी के उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के मिनी, INTUC के राष्ट्रीय सचिव पी ए जोसेफ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर सुनोज के एस ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। आत्मज्योतिये शिव पार्वती तिरुसंगमम।
इस दौरान अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर अभियान को रवानगी दी तथा लोगों में तेजी से फैल रहे व्यसनों से मुक्त होने की कामना की। इस अभियान अंतर्गत दक्षिण केरला के कई स्थानों पर व्यसन मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा लोगों को नशा मुक्त होने के लिए दवाएं भी दी जाएंगी। हैदराबाद के शांति सरोवर में ईश्वरीय आशीर्वाद से सुखमय जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा ने कहा कि जीवन में मूल्यों को अपनाने से ही परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। परमात्मा का आशीर्वाद सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। हर इंसान के अंदर यही भावना है कि परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, वरदान मिल जाए या कुछ ऐसा वंडर जीवन में हो जाए जिससे हमारा जीवन सदा खुशनुमा रहे। ईश्वर के वरदानों को अनुभव करने के लिए थोड़ा तो जीवन के अंदर कुछ करना होगा तो उसकी ब्लेसिंग्स स्वतः जीवन में अनुभव होने लगेगी। समारोह में गायक शंकर तथा शांति सरोवर प्रभारी बीके कुलदीप भी उपस्थित थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था मुलुंड सबजोन द्वारा ताराबाई मोदक गार्डन में मेगा एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कैंप आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बीजेपी नेता प्रकाश गंगाधरे, समाज रत्न डॉक्टर नानाजी ठक्कर, मुलुंड सबजोन प्रभारी बीके गोदावरी डॉक्टर कौशल भानुशाली ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। शिविर में बड़ौदा से आए डॉक्टर कौशल भानुशाली और डॉक्टर अलका भानुशाली ने अपने टीम के साथ सैकड़ों लोगों की सेहत जांच की, इसके साथ ही दवाएं भी दी गई। ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर सेवा केंद्र की ओर से बानमोर जेके टायर फैक्ट्री के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके ज्योति ने तनावों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा उसके निवारण के उपाय सुझाए। सबसे बड़ा मोल वो परमात्मा, उसकी तब इशारा किसे किया जाता है? सबका मालिक। फिर अपने के बारे में आप किससे बड़े हैं? बोले आज पीछे कितने भी पढ़ाई लिखाई कर लो लेकिन जमीन जायदाद तो बिना अंगूठे लगाए वहीं गुजरात के वडोदरा में भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे सुपरवाइजर्स के लिए तनाव व्यवस्थापन सेमिनार का आयोजन किया गया। संभागीय इलेक्ट्रिक प्रशिक्षण कैंप में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे सुपरवाइजर शामिल थे। इस सेमिनार में वडोदरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निरंजना और बीके नरेंद्र ने तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। यातायात पीड़ितों के विश्व स्मृति दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के देश के कई सेवा केंद्रों पर श्रद्धांजलि तथा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से की गई अपील में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च तो कहीं ध्यान साधना आयोजित की गई। साथ में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की अपील भी की गई। मुंबई के चारकोप धनुकरवाड़ी कांदीवली वेस्ट में सभा का आयोजन किया गया जिसमें संस्था से जुड़े भाई बहनों ने ध्यान साधना कर पीड़ित लोगों के सुस्वास्थ्य के लिए कामनाएं की। विश्व स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं जिसमें ऐसी दुखी पीड़ित आत्माओं को योगदान देने के लिए कई जगह पर हमारे योग के कार्यक्रम चल रहे हैं इसी समय पर।
वहीं गुजरात के गांधीनगर में भी शांति सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांधीनगर राजभवन के पूर्व उप सचिव महावीर सिंह शेखावत, गांधीनगर ट्रांसपोर्ट सर्विस के पूर्व मैनेजर सुरेंद्र भाई वाघेला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, बीके रंजन समेत कई लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की जानकारी दी। केरला के पालक्कड़ में भी एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केरला के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री आर्यादीन मोहम्मद शामिल हुए। कार्यक्रम में यातायात आयुक्त ऋषिराज सिंह, विधायक शफी परम्बिल समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल थे। समारोह में अपने विचार रखते हुए ऊर्जा मंत्री मोहम्मद समेत अन्य अतिथियों ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की और सुरक्षित यातायात के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों को सहयोग देने का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में मनाए जाने वाले यातायात पीड़ितों के स्मृति के विश्व दिवस पर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ, यूके के कोवेंट्री और मॉरिशस के क्योर पाइप में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के स्मृति में कार्यक्रम कर शांति का दान दिया। उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एल आर गोडारा से पाटन सेवा केंद्र के बीके बहनों ने मुलाकात की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम तथा बीके नीता ने संस्था के शिक्षा प्रभाग और कई विश्वविद्यालयों के समन्वय में संचालन किए जा रहे मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।